हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवेट प्लस। तो मैं आज आप लोगों को लाइव ड्राइंग का, जो फ्रंट में अगर मॉडल बैठा हो तो वो आप आसानी से कैसे बनाएं, तो उसके बारे में आप लोगों को समझा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का एंट्रेंस में अगर मॉडल सामने बैठ जाए तो आपको बनाने में दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लाइव मॉडल के लिए आप ना एक उंगली, जैसे ये उंगली है, तो इतना बड़ा चेहरा बना रहे, ठीक है, जिससे कि आपका पेपर में अच्छे से कंपोज हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आज सबसे पहले चेहरा बताता हूँ, क्योंकि चेहरे में काफ़ी को प्रॉब्लम आती है शेडिंग कैसे करें, और आसान सा कोई ट्रिक हो जिससे कि बन जाए ना, जैसे ये बोले एक उंगली बराबर है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बनने के बाद ही अपने आप छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे हड्डी बाहर जाती है ना, है ना, ये सीधा होता है, ठीक है, यहाँ से ये भी सीधा होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग का ये ऐसे होता है, कोई मोटा है तो ये गाल फूल जाएगा, पतला तो ये और अंदर चला जाएगा, तो बात की बात है, लेकिन जो बेसिक होता है वो इस तरह से होता है, ये फिर अंदर जाएगा, मतलब यहाँ पे दो स्टेप में अंदर गया ना ये, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, एक यहाँ पे, दूसरा ये, और इस जगह चिन्ह बनेगा ना ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, है ना, ये यहाँ पे हड्डी। अब अगर डार्क लाइन चलाना थी, पेंसिल पर पलट के भी चला सकते हैं, शेयर कर देखिए, है ना, ऐसे अच्छा चलता है, ठीक है। अब ये फोरहेड वाला हिस्सा ना, यहाँ पे बाल आएगा, बाल ना ये एक सीधी सी लाइन में तो होता नहीं है, कभी ये ऊपर होता है, कभी नीचे होता नहीं, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, यह हो सकता है थोड़ा सा नीचे से हो, ये ऊपर नीचे करके होता नहीं, ये बाल एक लाइन में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा ले सकते हैं बाल को, ये चीज़ ऐसे आ सकता है बाल, अगर लड़का का हो तो ये बाल यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे आ सकता है बाल, ठीक है। अब क्या है कि इसके बाद आँख नाक कैसे बनाएंगे, ठीक है, कई को तो समझ में आता है कि इसमें किस जगह पे बनाए, तो ऐसे करते हैं, जिससे कि देखिए ये जो हड्डी है ना, ये और ये जो कलमी जा, ये बाल जा रहा है, ठीक है, इसके बीच में ना होता है आईब्रो, ठीक है, यहाँ पे जो हड्डी जा रही है, ठीक है, और ये कलमी, इसके बीच में ही होता है आईब्रो, तो आईब्रो के पास थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग शेड्स डाल सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे इधर से नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जाएगा ना। अब इसे हम लोग चाहे तो आराम से चश्मा तो पहना ही सकते ना, इसे करके ऐसे ऐसे से चश्मा पहना के इसमें ऐसे शेड्स डाल ही सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या है, इसके सामने यहाँ पे नाक बनेगा ना, ठीक है, इसके बाद ये दोनों है, इसके बीच में ओठ बनेगा, ठीक है। तो अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे नाक बना लेते हैं, नाक के साथ करता है, ये चीज़ गोल होता है ना यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे गोल होता है, कईयों का नाक ऐसे होता है, किसी का नाक दूसरे साइड से झुका हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग देखे कैसे नाक होता है, ये ऐसे, यहाँ पे एक हड्डी होती है ना, ऐसे करके यहाँ ये गड्ढा होता है ना, ठीक है, ऐसे करके जाता है ये वाला चीज़, ठीक है। इस जगह पे आईब्रो हो सकता है, ये यहाँ पे, यहाँ से आईब्रो होता है ना, ये ऐसे करके, इस पर ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पर आके झुक जाएगा ना, यहाँ पे आईब्रो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब ना हम लोग यहाँ पे आसानी से हमें एक जगह मिल दिख रहा है कि हम कहाँ पे आँख बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आराम से एक जगह मिल गया हमें आँख बनाने के लिए, है ना, ये ठीक है, देखिए ऐसे करके यहाँ से ऊपर जाएगा, ये चीज़ ऐसे झुक जाएगा ना, ये यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से ऊपर जाएगा पहले, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे झुक जाएगा ना ये, ठीक है। तो इस टेक्निक से हमें आँख बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डेप्थ होता है, डार्क कर सकते हैं, देखिए ऐसे करके ना, यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे जा कर के ये ऐसे जाता है ना, ये
ऐसे करके ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर का स्किन होता है तो वो डार्क दिखता है, यहाँ पे आईबॉल बनेगा ना आधा दिखेगा हमें, ठीक है। दूसरा आईबॉल यहाँ पे दिख जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग बना लिए। अब ये हिस्से में सबसे पहले यहाँ वाला एक चीज़ बना लेते हैं, ठीक है। अब इस पर हम लोग ओट बना सकते हैं ना, ओट कैसे होता है, यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, फिर वापस से घूमेगा ये थोड़ा सा, मतलब कि ऐसे लाइन जाता है फिर दूसरा लाइन ऐसे घूमता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी वैसे जाएगा ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे घूमेगा ना इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये चीज़ धनुष की तरह ना, ऐसे है ना। यहाँ पे ये ओठ मोटा होता है, ठीक है, इस पर आ जाएगा सट जाएगा ना। जैसे कि ये लाइन अगर ऐसे बाहर जा रहा ना तो ओठ थोड़ा सा अंदर से होता है इसे, ठीक है, बाहर से नहीं लाना है अंदर से लाना है। ये ऊपर वाला ओठ ज़्यादा बड़ा होता है, नीचे वाला थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा होता है ना, ठीक है। अब ये हमारा बन गया, अब इस जगह पे कान बनेगा, ठीक है ना, ये कान बन जाएगा। और ज़्यादातर लोगों का चेहरा इसी तरह से होता है, थोड़ा बहुत अगर वहाँ पे मॉडल बैठा रहेगा तो उसके हिसाब से देख के बना लिए, लेकिन बेसिक आप लोगों को आना चाहिए। बेसिक अगर आता है तो आप लोग वहाँ पर देख के बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं, अब वहाँ पर आपको देखना है कि शेडिंग किधर से आ रहा है, हो सकता है कि इस साइड से शेड आ रहा हो या इधर से इस तरफ से लाइट आ रहा हो, है ना। तो जहाँ से लाइट आ रहा है वो एरिया को छोड़ करके बाकी को शेड्स थोड़ा डाल सकते हैं ऐसे ना। देखिए तो यहाँ पे है ना, ये चीज़ शेड्स ज़्यादा दूर तक डालेंगे तो वो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, ऐसे है ना, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे करते हैं, इसमें सब में एक जैसा सेट पहले डाल लेते हैं ऐसे करके करके, है ना, ऐसे से कहीं नहीं छोड़ते, ठीक है, ऐसे ऐसे डाल देते हैं, है ना, ये नाक के ऊपर से, ऐसे सेट डाल देते, ठीक है। और हम लोग ये नाक यहाँ पे उठा हुआ इसलिए इसको छोड़ करके बाकियों में सेट्स डाल रहे हैं, है ना, यहाँ पे तो नीचे यहाँ पे ऐसे, देखिए पूरा ना एक बार आएगा आएगा, यहाँ पे डार्क कर देते थोड़ा सा, ठीक है, ये पूरा भर जाएगा ना पहले एक बार, ठीक है। इससे क्या होगा कि टाइम बच जाएगा आपका, है ना, एटलीस्ट ये लगेगा हाँ कुछ तो किया है ना शेडिंग में, ठीक है। अब ये वाला हिस्से में डेप्थ होता है, ठीक है, तो डार्क ये वाला हिस्से में थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा देते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे डार्क होगा, ये स्किन पे यहाँ पे डार्कनेस बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इधर आ सकता है ये चीज़, ठीक है, ऐसे ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से इधर भी होगा, लेकिन सबसे पहले ऐसे करते हैं, पहले मैं इसे कंप्लीट करता हूँ जिससे कि आप लोग देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा साइन कर सकता है ऐसे, है ना, पतली नोक वाली पेंसिल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से बनेगा, तो ऐसे मैं करता हूँ पतली नोक वाली से बना लेता, ठीक है। यहाँ पे लेंस होगा, यहाँ पे डार्क हो जाएगा ये, है ना, ये लाइन अगर डार्क हो तो देखने में अच्छा लगेगा, जैसे ये लाइन डार्क हो सकती है, यहाँ पे ये डार्क हो जाएगा, है ना, ये सब ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ सकता है, ठीक है। ये वाइट स्किन है, इस पर भी शेड्स आ सकता है, ठीक है, ये स्किन यहाँ पे घूम रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये अंदर जा रहा है, यहाँ पे तो लाइट पहुँचेगा नहीं, फिर से वापस ये डार्क हो जाएगा, है ना,
ये नीचे तक जा रहा है, यहाँ तक डार्क हो सकता नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ऐसे से ना, इधर वाला हिस्से में यहाँ पर डार्क हो जाएगा, यहाँ पे आँख में साइन करेगा ये ऐसे छोड़ करके, बाकी को ऐसे डार्क कर देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डार्क कर दे रहे जिससे कि आँख अच्छी लगे देखने में, है ना। ये लाइन काफ़ी डार्क होगा तो ताकत लगा के करना पड़ेगा, है ना, ये आईब्रो ना। ठीक है, अब ये स्क्रीन नीचे तो उतर रहा है, यहाँ पे डार्क हो सकता है इस तरह के, है ना, यहाँ पे डार्क हो जाएगा ये। ठीक है, अगर लाइट इधर से आ रहा है तो इधर वाला हिस्सा डार्क होगा, है ना, इधर वाला फिर वापस हम लोग यहाँ पे ऐसे शेड्स डाल सकते हैं, है ना, ये और डार्क होगा, है ना, ये डार्क होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट छोड़ सकते हैं ये, है ना, फिर ये शेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डार्क होता है, आप लोग इसे डार्क करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ऐसे ना, यहाँ पे डार्क होता है, ठीक है, ये डार्क होगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे ये घूम रहा है, ये हिस्से थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से को डार्क कर सकते हैं, है ना, ये ऐसे से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा ये देखिए तो, है ना, इसके नीचे यहाँ पे डार्क हो सकता है, इसके नीचे ये स्क्रीन घूम रहा है इसलिए यहाँ पे डार्क होगा, है ना। अब यहाँ पे हड्डी होती है ना देखिए तो ये हड्डी को छोड़ करके ये ऐसे ये डार्क हो सकता है ऐसे से करके, है ना, ठीक है। अगर ये यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे भी डार्क होना चाहिए ना ये हिस्से में, है ना, यहाँ पे ये स्क्रीन यहाँ पे ऐसे यहाँ पे स्क्रीन चल रहा होता है इसलिए थोड़ा सा बदल जाएगा इधर इधर का शेड्स, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर सकते हैं इसको, ठीक है, है ना, यहाँ पे गर्दन, है ना, यहाँ पे ऐसे डार्क करेंगे, है ना, लाइट उधर से आ रहा है तो हो सकता है ये हिस्से में लाइट पड़े, है ना, ये चीज़ यहाँ पे लाइट पड़ेगा, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ सेट डाल सकते हैं, ठीक है। कई लोग होता है क्या कि बाल को ना एक एक तरी एक ऐसे करके बनाने लगता है कि मतलब जैसे जैसे बाल जा रहा है उधर उधर एक एक करके बनाता है, लेकिन इसमें आप लोगों का काफ़ी टाइम लग खिंच जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या है कि इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइट आ रहा है तो ये इससे लाइट करके बाकी का हम लोग ऐसे ऐसे सेट्स तो डाल ही सकते ना, ठीक है। इसमें क्या आपको टाइम बच जाएगा, जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे डाल दे रहे देखिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे बाल यहाँ कहीं अगर डेप्थ हो बालों का तो वहाँ पे ज़्यादा ये घना हो जाता है ना, है ना, ये चीज़ ऐसे से ध्यान में रख करके इसको हम लोग ऐसे सेट्स डाल देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि टाइम बच जाता है, एक एक बाल बनाने में काफ़ी टाइम लग खिंच जाएगा। अब क्या कि बालों का जो डेप्थ होता है वो उसको ध्यान में रख करके ये देखिए ना ऐसे ऐसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ना, ये देखिए बाल ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये डार्क हो जाएगा जहाँ पर डेप्थ होगा ना, ये है ना बाल डेप्थ वाले हिस्से में,
है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे सेट्स डाल सकते हैं। अगर करेक्टर में ये अगर लाइव ड्राइंग में अगर चेहरा अच्छा बन गया तो बाकी चीज़ तो अच्छा बन ही जाएगा, है ना, आपका और कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ जाएगा कि हाँ अच्छा बन रहा है, तो आगे भी बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये कि थोड़ा चेहरा ज़्यादा दिखना चाहिए, और ये हिस्सा अगर डेप्थ में है तो यहाँ पर ज़्यादा डार्क होगा, ये जगह पर ज़्यादा डार्क होगा। ठीक है, ऐसे ये ज़्यादा डार्क होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे कॉलर बन जाएगा, है ना, ये ना, ठीक है, तो बाकी चीज़ इसी तरह से कंप्लीट होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।